Hello everyone, my name is Jizzy and in this video I am going to explain exercise 11.1 question number 6. So start karte hain. A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 cm and breadth is 22 cm. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. Aapko given hai. एक वायर से एक रेक्टेंगल बनाया गया है, उस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ, ओके? देन सेम वायर से रीबेंड करकर क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है और उसकी साइड आपको फाइंड करनी है. देन आपको फाइंड करना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है और स्क्वायर का एरिया क्या है और दोनों में किसका एरिया बड़ा है, ठीक है, किसने ज्यादा एरिया कवर किया है, ये आपको फाइंड करना है. तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने से वायर की लेंथ हमें मिल जाएगी कि टोटल कितना वायर है. अब सेम वायर को रीबेंड कर क्या बनाया गया है, स्क्वायर, तो मतलब वहां से हमें स्क्वायर की भी टोटल लेंथ मिल गई और टोटल लेंथ क्या होती है हमारी, पेरीमीटर. मीन्स जो भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर भी होगा, ओके? और पेरीमीटर अगर हमें स्क्वायर का मालूम है तो उसकी साइड हम फाइंड कर सकते हैं. मींस जो हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ये हमें मिल जाएगा वहां से और साइड मिल जाएगी तो हमें एरिया भी दोनों का मिल जाएगा, स्क्वायर का भी मिल जाएगा और रेक्टेंगल का एरिया हमें लेंथ और ब्रेथ पता है वहीं से मिल जाएगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है हमारा 2l + b, ओके? और हमें गिवन है लेंथ कितनी है 40 एंड ब्रेथ कितनी है 22. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 62, ओके? एंड वी विल गेट 124 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या आया है, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, ओके? अब इस पेरीमीटर की हेल्प से हम स्क्वायर की साइड फाइंड करेंगे. तो लिखेंगे स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × साइड होता है, ठीक है, एंड 4 × साइड एज इट इज रहेगा और यहां पर पेरीमीटर हम इसको लेंगे 124, ओके? देन साइड क्या आ जाएगी यहां से हमारी, साइड इक्वल्स टू 124/4, दैट इज 31 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर की साइड भी हमें मिल गई, पेरीमीटर हमने निकाला रेक्टेंगल का और उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, स्क्वायर की साइड को, ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का एरिया. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू l × b होता है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एल कितना था 40 एंड बी इज 22, तो यहां से इसका कितना आ जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके? ये किसका आया, रेक्टेंगल का एरिया. नाउ इसका फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर का एरिया. तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, ओके? और साइड हमें कितनी मिली थी, 31. तो इसको लिखेंगे 31 × 31 इक्वल्स टू 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो रेक्टेंगल का एरिया आया 880 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर का एरिया क्या है, 961
स्क्वायर सेंटीमीटर, तो किसका बड़ा है एरिया, स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, स्क्वायर शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, किसके कंपैरिजन में, रेक्टेंगल के। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, स्क्वायर एनक्लोज्ड मोर एरिया, ओके। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है इसको।